का छोटे से छोटा व्यक्ति जी और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रूप से ये भाव व्यक्त करता है तो मुझे लगता है कि पहला मुझसे कोई गलती ना हो जाए। दूसरा मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया देखिए इसको क्या कहूंगा मैं ये भाजपा नहीं है जी वो शायद मुझसे जोड़ने के लिए झंडा रखा है हाथ में बिल्कुल लेकिन वो किसी संत परंपरा का व्यक्ति है तो तब मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है और परमात्मा ने भारत भूमि को चुना परमात्मा ने मुझे चुना और एक प्रकार से मैं अब सारे बंधनों से विरक्त होकर के हर काम को परमात्मा की पूजा समझ करके करता हूं ईश्वर की आराधना समझ के करता हूं और जब मैं ईश्वर के रूप की बात करता हूं तो वो ईश्वर जो हमने किसी ने देखा नहीं है निराकार है दूसरा मैं जनता जनार्दन को भी ईश्वर का रूप मानता हूं तो 140 करोड़ देशवासी को ईश्वर का रूप मानकर के परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है उसकी एक एक क्षण एक एक पल और शरीर का एक एक कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है 140 करोड़ देशवासियों के लिए है और यही मेरी ईश्वर की आराधना है। अब देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि एक नरेंद्र मोदी जो बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाते हैं दुनिया भर में जिनके धाक है जिन्होंने अपने निर्णयों से लोगों को चौंका दिया है और जब काशी में आते हैं नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल किसी छोटे बालक की तरह उनकी आंखें भरी होती हैं वो माँ की बात कहते हुए भावुक होते हैं उनकी जो जुबान है वो सोचने लगती है कि क्या बोला जाए तो ये जो दो अलग अलग नरेंद्र मोदी हैं इसको अलग अलग नहीं है आप मैं कंपैरिजन मेरी नहीं कर रहा हूं लेकिन जो मैंने सीखा है इसमें से मैं समझा सकता हूं आप श्री कृष्ण को गायों के बीच देखें और श्री कृष्ण को अर्जुन का रथ चलाते देखिए आपको दो रूप दिखेंगे लेकिन कृष्णा एक है कृष्णा अलग नहीं है